गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास सिक्स का, हम कौन सी क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फाइव कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्या नाम है चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ठीक है। और इसकी हम 5 पॉइंट लास्ट कुछ एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.5 तक कर चुके हैं और आज हम इसका नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.6। तो देख लेते हैं, इसमें हमने ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स की चीज़ें दी गई हैं और हमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो मैं क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, कि हमने ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हमने किया था व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, जब हमारी तीनों साइड इक्वल होंगी तो उस ट्रायंगल को मैं क्या कहती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको मैंने क्या कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर मेरी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, व्हेन माय टू साइड्स आर इक्वल, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगी तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है इतना। और एक हमने लास्ट पढ़ा था विच इज़ नोन एज स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल में नन ऑफ द साइड इज इक्वल, नन ऑफ द साइड इज इक्वल, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगी, डन है इतना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स के बेसिस पे पढ़ा था। तो एंगल्स के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहला व्हेन ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, तो उसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, जिसमें सारे ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ा था हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो है, एक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, एनी वन वन एंगल, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल जो होगा वो मेरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जो तीसरा हमने पढ़ा था दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये क्विकली रिवाइज कर लिया, अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल विद द लेंथ 7, एक जो साइड है उसकी 7 है, एक साइड उसकी 8 है और जो तीसरी साइड है वो 9 है। तो इसमें क्या है, मेरा तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को मैं क्या कहती हूँ, स्केलेन ट्रायंगल, क्या कहती हूँ इसको, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल को जहाँ भी हम लिख रहे हैं वहाँ सिंबॉलिकल लिख रहे हैं, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है, पहले भी बताया था, जैसे यहाँ पर भी ट्रायंगल का सिंबल यूज़ किया हुआ है। तो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, बी पार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल है ए बी सी विद ए बी साइड इज 8.7, ए सी साइड जो है वो मेरा 7 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो मेरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें भी मेरा कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो फिर से कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये मेरा, वेरी गुड, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर है इतना, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो मेरे पास ट्रायंगल है दैट इज पी क्यू आर,
ठीक है, पी क्यू आर है। अब कह रहा है कि पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है और क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर है और ये सभी किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब बताओ, अब हमने यहाँ पर पढ़ा था जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दैट ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड राइटिंग इज लिटिल बिट बैड बट यू नीड टू एडजस्ट, कंप्यूटर पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी न्यू टू मी। ठीक है, तो इट विल टेक सम मोर टाइम, अ मंथ टाइम। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंगल ट्राइंगल है मेरे पास डी ई एफ विद एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है। देखो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसको क्या कहूंगी मैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो 5 पे चलते हैं। 5 जो है वो कह रहा है कि ट्राइंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड, वाई जो है वो 90 डिग्री का है और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। तो मेरे पास क्या हो गया है, एक एंगल 90 डिग्री का भी हो गया है और दो साइड इक्वल भी हो गई हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल भी तो है ना, तो राइट एंगल तो 90 की वजह से और दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एल एम एन है ट्राइंगल, एल एम एन कह रहा है एंगल एल जो है वो 30 डिग्री है, एंगल एम जो है वो 70 डिग्री है और एंगल एन जो है दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी है तीनों ही एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था दिख रहा था कौन सा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है इतना, चलो तो अब नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा मैच द फॉलोइंग है। क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास मेजर ऑफ ट्राइंगल टाइप, यहाँ पर देखो ये पढ़ रही हूँ मैं, मेजर ऑफ ट्राइंगल टाइप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इनके साथ मैच करना है, तो पहले इस साइड के सारे रीड कर लेते हैं फिर इनको इस साइड के साथ रीड करके मैच करेंगे। थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब तीनों ही साइड इक्वल होंगी। टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब कोई दो साइड इक्वल होंगी। ऑल द साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो सभी जब अलग लेंथ की हो जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, तीनों ही एंगल एक्यूट होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, जब एक एंगल राइट एंगल होगा 90 डिग्री का होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, और एक एंगल जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा मतलब मोर देन 90 डिग्री का होगा तो उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, और एक एंगल राइट एंगल है और उसकी दो साइड्स भी इक्वल हैं तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब मैच करना शुरू करें। व्हेन आई एम हैविंग ऑल द थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है थ्री साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर इसको मैच किया मैंने 1 के साथ। व्हेन टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हेन ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों ही अलग अलग लेंथ की हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल, क्या कहा जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। अब तीनों ही एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर, अब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा तो भाई ये हो जाएगा मेरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये है नंबर 5। अब चलते हैं 6 पर। 6 क्या कह रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, वन ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर एक भी ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विच इज 6। देन वन राइट एंगल विद टू
साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये हो जाएगा मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, अब ये मैच हो गया, ये सबके डेफिनेशन से ही हमने यहाँ पर मैच किया है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। तो ट्राइंगल्स को नाम करना है मुझे टू डिफरेंट वेज में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है। ये एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो है वो मैं ऊपर लिख रही हूँ, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और दूसरा नेमिंग क्या करूँगी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और उसको नीचे लिख देती हूँ, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज 17, दिस इज 15, दिस इज 5, नन ऑफ द साइड इज इक्वल, तो दिस ट्राइंगल इज स्केलिंग ट्राइंगल। कौन सा है गया, स्केलिंग। अब देखो यहाँ पर ये बना दिया है, तो ये किसका सिंबल होता है, 90 डिग्री के एंगल का सिंबल होता है, तो इसको क्या कहूँगी मैं, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया, 7, दिस इज 7। ठीक है, तो दो साइड जब इक्वल हो जाएगी तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये आपका मोर देन 90 डिग्री है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या कहा जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़े, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि एक साइड जो है, ये वाला साइड मेरा 10 और ये वाला साइड मेरा 10, तो भाई दो साइड इक्वल हो जाती हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब तक तो याद हो जाना चाहिए हर बच्चे को, है ना, बिल्कुल ऑन द टिप्स हो जाएगा, सबको रट जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, दो अगर इक्वल होती हैं साइड्स तो उसको आइसोसेलेस कहते हैं, और एक अगर ऐसा सिंबल मिल जाएगा का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5.2, तो सारी ये 5.2 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डन। एंड दिस इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, सो हाँ लेस देन 90, तो दिस बिकम्स एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, क्लियर। अब देखो 15, 10, 9, नन ऑफ देम इज इक्वल, कोई भी बराबर नहीं है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दैट इज स्केलिंग ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज नोन एज स्केलिंग ट्राइंगल, डन। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी हैव डन स्केलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दिस एंगल बाय लुकिंग आई कैन से दिस इज मोर देन 90 डिग्री, देखने से ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इस एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और किससे बनाने हैं, मैच स्टिक से बनाने हैं, मैच स्टिक पे फेविकॉल लगाकर उनको चिपकाना है। सम आर शोन, कैन यू मेक द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कुछ जो है वो आपको पिक्चर में दिखा रखे होंगे बुक के अंदर, ठीक है, तो वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, पिक्चर्स जो है वो मैंने नीचे पेस्ट कर रखी है। यहाँ पर बोला गया है कैन यू मेक द ट्राइंगल, तो मैंने आपको रफ आइडिया देने के लिए आई हैव ड्रॉन द पिक्चर। ठीक है, तो 3 मैच स्टिक से मुझे एक ट्राइंगल बनाना है,
ठीक है, तो पहला मैस्टिक, दूसरा मैस्टिक और तीसरा मैस्टिक, तो ये सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे इन द नोटबुक। यू हैव टू ड्रॉ दिस इन द नोटबुक, ड्रॉ दिस इन द नोटबुक, ठीक है। नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे मैच स्टिक को, ठीक है। यू हैव टू पेस्ट द मैच स्टिक इन द नोटबुक और बनाएंगे ड्राइंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर मेरे पास चार मैच स्टिक होंगी तो क्या मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो आई ट्राइड अ लॉट, अगर चार है तो मैंने बहुत कोशिश करी कुछ कुछ बनाने की, बट कभी भी मेरा ट्राइंगल नहीं बन रहा। देखो अब ये एक तो बन जाएगा पर ये दूसरा नहीं बनेगा, डन। तो जो भी ट्राइंगल बन रहा है, चार से कभी भी मेरे पास कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं चार से ट्राइंगल नहीं बना सकती हूँ। फिर मैंने पाँच से बनाया है, फाइव से, टू ऑन दिस साइड, टू ऑन दिस साइड, ठीक है। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट सम योर न्यू आइडियाज तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उसको भी यूज करके नया टाइप का ट्राइंगल बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब सिक्स मैचस्टिक्स का बनाया है, तो देखो टू मैचस्टिक ऑन दिस साइड, टू मैचस्टिक ऑन दिस साइड एंड टू मैचस्टिक ऑन दिस साइड। सो ऑल द मैचस्टिक्स ऑन एवरी साइड इज हैविंग टू मैचस्टिक्स, सो दिस बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, इतना बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपके पास कोई और आइडिया मिल जाए छह मैचस्टिक का तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जिन पिक्चर्स की बात हुई थी वो पिक्चर्स ये रही। अब ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल इन ईच केस, ठीक है। तो कह रहा है कि हर एक केस में आपको टाइप ऑफ द ट्राइंगल बताना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ द ट्राइंगल बताते हैं हम सबसे पहले। तो देखो नंबर ऑफ मैचस्टिक काउंट करेंगे, तो वन टू, वन टू, तो ये कितनी है, दो इस साइड और दो इस साइड। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दो साइड्स जब इक्वल हो जाती हैं तो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाता है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर है। अब देखो ये जो ट्राइंगल है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल, डन। तो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो वन टू, पहले सबसे बड़ा वाला ले रही हूँ, सॉरी, हाँ वन टू, वन टू, वन टू, सो सब में टू टू है, सो दैट बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सब में बराबर है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, डन। अब देखो छोटा वाला भी लेके देख लेते हैं, क्या इसमें इक्विलेटरल आता है, सो वन टू वन, देखो ये वन, एक मैच स्टिक, एक मैच स्टिक, एक मैच स्टिक, इक्विलेटरल बन गया भाई, तीनों ही एक एक मैच स्टिक से बना है। नीचे वाला देख लेते हैं, वन मैच स्टिक, वन मैच स्टिक, वन मैच स्टिक, इक्विलेटरल, वन मैच स्टिक, वन मैच स्टिक, वन मैच स्टिक, तो दैट ऑल्सो बिकम इक्विलेटरल। तो इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं एंड ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर। आपको मेंशन करना है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, सो इट इज टोटली इक्विलेटरल ट्राइंगल, डन, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर, ये देखो वन टू थ्री मैचस्टिक, वन टू थ्री मैचस्टिक, वन टू थ्री मैचस्टिक, ओहो दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी कौन सा बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब बाय दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, इस क्वेश्चन के साथ आपका ये वाला एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, अदरवाइज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकते हो, गूगल क्लासरूम पे डाल देना, जो भी आपको सुटेबल लगे वहाँ डाल देना। जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो न्यू वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे और सारा काम नोटबुक में टाइम पे करते रहना एंड सेंड मी द फोटोज एज वेल। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हैंड वॉश करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर बेटा।